हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के बज रहा है 2 और मैं आज बनाऊंगी बिल्कुल गांव वाला स्टाइल खाना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था। जो हमारे गांव में साग वो बनते थे ना, तो कितने ज़्यादा टेस्टी लगते थे, तो सेम मैं वही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है साग, ये चौराई का साग है जिसे मैंने काट के और धो के रख लिया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी एक आलू, देख सकते हैं यहाँ मैंने मीडियम साइज के काट रखा है। और ये थोड़े से चने हैं, चने भी डालूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट के रखा हुआ है। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रख दी हूँ कढ़ाई, और उसके बाद डालेंगे हम सरसों का ऑयल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद डालेंगे हम सूखी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखी मिर्ची से क्या होता है ना कि थोड़ा सा सुनहापन आ जाता है। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा खड़ा जीरा। खड़ा जीरा डालने के बाद डालेंगे हम यहाँ पे लहसुन। लहसुन की 7-8 कलियाँ हैं, और इसे डाल के हम थोड़ा चला लेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम आलू और चना। हमने यहाँ पे आधा डाला है। उसके बाद डाल देंगे हम ये साग चौराई का। डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहीं पे डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमको डाल देना है यहीं पे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डाल लेंगे। उसके बाद डालना है हमें हल्दी पाउडर। बार डालना है हमें किचन किंग मसाला। बाकी अब कोई मसाला नहीं डालना है इसमें, बस थोड़ा सा किचन किंग मसाला। और फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक और हल्दी और जो मैं मसाले डाले वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक के पकाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी सूख गया है मेरा, और कितना मतलब बहुत ही अच्छा है, खुशबू आ रहा है सब्जी से। इसे हमें ऐसे निकाल के थोड़ा सा चेक कर लेना है। ये हो गया है, बस इसका पानी थोड़ा सा हम और सुखाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। तो सब्जी हमारा बनके हो गया है रेडी। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी रखा है, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। और देख सकते हैं बिना मसाले और बिना किसी चीज़ के ये कितना ही ज़्यादा यम्मी हुआ है। तो यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ अपना चावल, और फिर निकाल लेते हैं सब्जी। तो अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शहर में रहने पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि ऐसे खाने नहीं मिलते हैं। मतलब कभी कभी मन करता है ना कि वो गांव वाले खाने का टेस्ट लें, तो मेरा तो बहुत मन करता है, क्योंकि गांव के जो खाने होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं। मतलब उसके टेस्ट ही अलग होते हैं।
और जितने ज़्यादा ये वो यम्मी होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा वो पौष्टिक वाले भी होते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपना खाना खाने। बहुत ही ज्यादा यम्मी है, बहुत ही ज्यादा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है गोलगप्पा और यहाँ पे पानी, जो कि मुझे बहुत मतलब हर तीसरे चौथे दिन तो हम लोग गोलगप्पा खा ही लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ गोलगप्पा खाने।